हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आर्ट चैनल में। यहाँ पे मैंने कुछ कलर निकाले हैं, डार्क, लाइट, ग्रीन, वाइट, रेड, येलो। और जो कल हमने वीगल स्ट्रोक सीखा था, उस वीगल स्ट्रोक से ये 8 नंबर का ब्रश है, तो हम पहले लीफ बनाएंगे। देखो, पहले एक रैंडम मेजरमेंट ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे 3 सर्कल बनाने हैं, 1, 2 और 3। ये मैंने ऐसे ही रैंडम बनाए हैं। और पहले हम लोग लीफ बनाएंगे वीगल स्ट्रोक से, जैसे हमने रोज़ बनाना सीखा था, पन्ने बनाने सीखे थे, उसी से हम लोग ये वाला वीगल स्ट्रोक अप्लाई करके पहले लीफ बनाएंगे। ये जो 3 सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं रैंडमली, उनके बीच में पहले हम लोग लीफ बनाएंगे। देखो, वीगल स्ट्रोक से ब्रश को रख के फ्लैट करके वीगल करते हुए जाना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जानकारी दी हुई है, ये स्ट्रोक डिटेल में मैंने सिखाए हुए हैं, कैसे करते हैं, ब्रश को कैसे लोड करते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को विज़िट करके वो वाले वीडियोस देख लीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, बिल्कुल बिगनर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आप भी बिगनर हो और ऐसे आर्ट वर्क करना पसंद करते हो, तो आपको इस चैनल से ज़रूर सीखने को मिलेगा और आप ऐसे कर भी पाओगे। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग बननी शुरू हो जाती है। देखो, जैसे मेरे मन में आ रहा है, मैं उस हिसाब से काम करते चली जा रही हूँ। मैंने रफ 3 सर्कल ऐसे पेंसिल से पहले ड्रॉ किए, उसके बाद उन 3 सर्कल्स के बीच वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे मैंने ये लीफ ऐड किए हैं। और ये जो हमारा लास्ट सर्कल है, उसके ऊपर में एंड में ये लीफ फिलहाल बना रही हूँ। आज हम लोग डेजी सीखने वाले हैं। डेजी स्ट्रोक कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो हम लोगों ने सर्कल बनाए हुए हैं, इसमें हम लोग डेजी फ्लावर बनाएंगे। ये सर्कल्स में देखो, अभी इनके बीच में ये एक थोड़ा सा पोर्शन बचा है, वहाँ पे भी मैं 2-3 लीफ ऐड कर देती हूँ। हो गया। अब ये 3 सर्कल के बीच वाला पोर्शन हम लोगों ने पहले कवर किया है। अभी सर्कल्स में हम लोग डेजी बनाएंगे। देखो, इसके लिए मैंने रेड एंड वाइट कलर लिया है ब्रश में। देखो, पहले ब्रश को रखा है, प्रेस किया और फिर चीजल पे आए, तो एंड वाला जो पोर्शन होता है वो पतला आ जाता है। रखा, प्रेस किया और उठाया, फिर से धीरे धीरे आपको उठाते हुए जाना है। नीचे आते वक्त आपको पतला चीजल के ऊपर आना है। देखिए, ये मैंने बीच में एक डॉट कर लिया है, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक आना है, डॉट तक। प्रेस किया और नीचे मैं धीरे धीरे चिजल पे आ गई। देखो, ऐसे पूरा सर्कल मुझे कवर करना है सेम पेटल से। देखो, रखा, फ्लैट किया और चिजल पे आ गए। जब आप बीच में सेंटर में अपना स्ट्रोक खींचते हो, तो सेंटर में आते वक्त आपको प्रेशर कम करना है ब्रश के ऊपर का, तो बिल्कुल पतला स्ट्रोक बीच में आ जाएगा। तो जैसे पंखुड़ी होती है, आप शुरू के पोर्शन में थोड़ी थिक और पीछे पतली, ऐसा वाला इफेक्ट आ जाएगा। और अभी जो बीच बीच में हमें गैप दिख रहे हैं, वहाँ पे हम फील करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप ब्रश के ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हो, तो ब्रश का जो स्ट्रोक होता है वो थिक आता है, और अगर प्रेशर थोड़ा कम करते हो तो स्ट्रोक थिन आता है। जैसे ये स्ट्रोक में आपको दोनों चीज़ अप्लाई करनी है, जैसे कि शुरू में आपको प्रेशर देना है ज़्यादा, और एंड में आपको प्रेशर कम करना है, रिलीज़ करना है। तो ये दोनों चीज़ों आपको अप्लाई करनी है, ठीक
ठीक है, देखो शुरू में प्रेशर देना है और जब नीचे आते हैं तो प्रेशर रिलीज़ करना है। चीज़ल पे आते वक्त आपको बिल्कुल पतला प्रेशर अप्लाई करना है, जोर नहीं देना है ब्रश के ऊपर। जैसे आप दबाव कम देते हो तो थिन स्ट्रोक आ जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो एंड में कैसे थिन होता जाता है, क्योंकि शुरू में जब मैं ब्रश रखती हूँ तो प्रेशर अप्लाई करती हूँ, ब्रश जब उठाने की बारी आती है तब वो टाइम पे मैं प्रेशर कम कर देती हूँ। रखा, प्रेस किया, रिलीज़ किया। अभी जो गैप हमें दिखते हैं फ्लावर कंप्लीट होने के बाद, उसके बीच में हम थोड़े से थिन स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। जो बीच वाले स्ट्रोक हम लगाते जाएंगे उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। शुरू में जो हम लोग स्ट्रोक बनाते हैं, पहला जब फ्लावर हम कम करते हैं वो टाइम पे हमें थोड़े थिक स्ट्रोक डालने हैं। ठीक है, देखो अब ये सेंटर का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ये मैंने यहाँ पे डियर फ्रूट ब्रश लिया हुआ है, डियर फ्रूट। इसके फ्रंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैं येलो और नीचे मैंने थोड़ा सा मेव कलर लिया हुआ है, तो इसको जस्ट सर्कुलर मोशन में हम लोग घुमाएंगे। इसका जो सेंटर है इसको हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए, डैब डैब करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखो खूबसूरत सा फूल दिखना शुरू हुआ है। और अभी छोटा सा राउंड ब्रश लेके, 000 नंबर, 0 नंबर, लाइनर ब्रश जो भी आपके पास है, या फिर ये छोटे ब्रश नहीं है और डॉटिंग टूल है तो डॉटिंग टूल के हेल्प से भी आप ये काम कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे जो मेव कलर है उससे मैं छोटे छोटे डॉट्स पेटल के ऊपर और वो जो हम लोगों ने बीच वाला सर्कल बनाया है उसके ऊपर अप्लाई करती जा रही हूँ, और उसके बीच बीच में मैं येलो कलर भी अप्लाई करूँगी। सेम आपको तीनों सर्कल्स के सेंटर में करना है। पहले आपको छोटे छोटे डॉट मेव कलर के देने हैं और उसके बाद येलो कलर अप्लाई करना है, उसके भी छोटे छोटे डॉट्स आपको देते हुए जाना है। देखो शायद कैमरा में इतने ठीक से वो छोटे डॉट दिख नहीं रहे हैं, पर नज़दीक से बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अब मैं थोड़ा शेड चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन और येलो कलर लिया हुआ है और अभी मुझे लग रहा है जहाँ पे मुझे थोड़े लीफ और ऐड करने हैं वो पोर्शन पे मैं लीफ ऐड करते जा रही हूँ। जैसे हम लोगों ने नीचे किए थे सेम हम ऊपर भी ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारे सर्कल्स कंप्लीट हुए हैं वो वाले पोर्शन में भी हम लोग थोड़े पत्ते ऐड कर देंगे। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। देखो शेड चेंज हो गया तो पेंटिंग में थोड़ा और पेंटिंग खिल के दिखता है। यहाँ पे जैसे जैसे मुझे जहाँ पे लग रहा है कि मुझे थोड़े यहाँ पे ऐड करना है ताकि थोड़ा सा क्राउडी दिखे पेंटिंग, तो वो वाले पोर्शन में मैं ऐड करते जा रही हूँ। अगर बीच बीच में आपका ब्रश ड्राई होता है तो पानी का यूज़ कीजिए। चलिए अब हम लोग फिर से थोड़ा सा वाइट एंड रेड कलर लेके इसकी कलियाँ बनाएंगे। यहाँ पे जो मैंने पहला स्ट्रोक लिया वो वीगल का ही स्ट्रोक है जो हम लोगों ने पन्नों में लिया था सेम,
और अभी इसके बाजू की जो मैं पंखुड़ियाँ दिखा रही हूँ ये वाली, ये मैं बिल्कुल डेजी स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। देखो कितना प्रीटी लगने लगा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका कैसे हुआ पेंटिंग। अगर आपको विषय वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। देखिए अब सेम ब्रश मैंने धोया नहीं है, खाली थोड़ी शेड चेंज करने के लिए मैंने उसी ब्रश में लाइट और डार्क ग्रीन कलर ऐड किया हुआ है। और ये वाला स्ट्रोक हम लोग ले रहे हैं, कलिया जहाँ से निकली है उसके नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे हम लोग ये वाला स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हैं। यस, और यह है इसका फाइनल लुक। अभी थोड़ा सा एक काम और बाकी है, देखो मैं यहाँ पे थोड़े से इसमें छोटे छोटे स्टेम्स और वाइन्स ऐड करूँगी जिससे इसमें थोड़ी और जान आ जाए। तो आपको वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।